नमस्कार। संसार क्रांति ब्यूरो आज इस मामले को लेकर के पिछले दो तीन दिनों से पूरे भारतवर्ष में हंगामा चला हुआ है। सोशल ट्रेड कंपनी के बारे में जैसा कि प्रचार हो रहा है, सोशल ट्रेड कंपनी ने कोई घोटाला किया, गबन किया है। संसार क्रांति ब्यूरो की टीम आज इसी मामले की जांच पड़ताल के लिए नोएडा स्थित F472 सेक्टर 63 के अंदर लोगों के व्यूज़ लेने के लिए पहुँची है। और आइए जानते हैं लोग क्या कहते हैं कंपनी के बारे में। आप लोग बताएंगे क्या कंपनी ने वास्तव में कोई फ्रॉड किया है? देखिए, सबसे पहली बात तो कल भी हमने मीडिया में यही बातचीत करी थी कि कोई फ्रॉड का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फ्रॉड ये होता है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई घपला किया, कस्टमरों ने करा। फ्रॉड इसलिए नहीं है कि जो भी कार्यक्रम अपना कंपनी का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें सारा टैक्स पेड ही पेमेंट हुआ। टैक्स पेड 1-1 रुपये आता है, कंपनी 1 रुपया भी कैश नहीं लेती जी। तो लेकिन सरकार की जो यदि गाइडलाइन की बात की जाए तो उसके बारे में ये मानना है कि भी मनी लॉन्ड्रिंग में ये चीज़ जाती है, भाई मनी सर्कुलेशन। देखिए, क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बार बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग में तब जाती है जब सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के ये नोटबंदी के बाद ये कहा गया है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, ऑनलाइन होना है। सारी पेमेंट्स कंपनी के द्वारा ऑनलाइन अकाउंट में मंगाई गई है। सरकारी बैंक में भी है, प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, और हमारे पास जो कमीशन्स वगैरह है, जो पेआउट्स आते हैं वो भी टैक्स काट के आते हैं। जब सारा कुछ एक कानून के दायरे में होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से होती है? तो आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं सोशल ट्रेड? मेरे को करीब 3-4 महीने हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से सब मेंबर खुश हैं। जो 1 साल पुराने हैं वो भी खुश हैं, नए वाले किसी भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जितने भी हैं सभी खुश हैं। अभी आपको क्या लगता है मामला किस तरीके से, किस तरह कोई लगता है सोल्यूशन होगा इसका? देखिए, सोल्यूशन हो ही चुका है लगभग, कोई हमें डाउट नहीं है कंपनी के ऊपर, क्योंकि पब्लिक कंपनी के मेंबर्स साथ में है। जब मेंबर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो किसी को क्या कंपनी कैसे बंद हो जाएगी? तो कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से। ये थोड़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे है, कुछ डिमांड्स हैं लोगों की, लेकिन वो पूरी नहीं करी है क्योंकि जेन्युइन काम हो रहा है और इसको आराम से हम मेंबर्स के द्वारा ही सुलझा लिया जाए, क्योंकि मेंबर की लाखों की तादाद है। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता। अगर हम लोग को अगर परेशान करा जाएगा, बेरोजगारी और अगर पैदा करी जाएगी तो उसके गंभीर परिणाम। तो आपको क्या लगता है कि भी कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र भी हुआ इसके बारे में? बिल्कुल, मित्तल साहब को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है जी। मैं पिछले 6 महीने से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ सोशल ट्रेड में, और मेरे साथ कम से कम 40-45 लोग और जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी वर्किंग है, सब कुछ अच्छा है, और एक एक बंदे ने 10-10, 12-12 आईडी ले रखी है। और पैसे की अगर आप कहें कि कोई लेके भाग गया, कोई लेके कुछ नहीं भागा है, सिर्फ चुनावी स्टंट है, उनको फंसाया जा रहा है। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं है, और इसके अलावा कोई मोटी रकम का कुछ उनके सामने कोई ऑफर रखा गया होगा जो उन्होंने ना कर दी, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसलिए जीत उन्हीं की होगी, लेट हो सवेर हो, हम उनके साथ है और रहेंगे। कल जंतर मंतर पर 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हम तैनात रहेंगे, लाखों लोग, और देखते हैं उनको कौन सरकार देखने की ताकत, हम उस चीज का फेस करते हैं, उनको कौन वहां से रिहा नहीं करता। तो अभी हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ हैं। अभी देखो कि पिछले काफी समय से हम देखते आ रहे हैं, भी कंपनी ने अपने नाम भी बदले हैं बार बार, और फिर जिस तरह की अभी 3W डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए या फिर फ्रेंचाइज की बात की जाए, मित्तल साहब ऑनलाइन शॉपिंग में आना चाह रहे थे, इस वजह से वो अपना कोई स्टैंड बना रहे थे, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उस वजह से थोड़ा टाइम लगा था। पेमेंट किसी की लेट नहीं हुई है, पेमेंट हमेशा आई है, पेमेंट कुछ दिन पहले भी आई है, पेमेंट आने ही वाली थी, इतने में इन्होंने ये धरपकड़ कर ली। क्या आपको ऐसा भी लगता है कोई विदेशी और स्वदेशी का भी यहाँ मामला हो सकता है? ये स्वदेशी एक व्यक्ति है, एक पोर्टल बना रहा है अपना, इस तरीके से इसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। फसाने के किसी को 100 बहाने होते हैं, कैसे फंस सकते हैं? आदमी सही है, वो बिल्कुल बाहर आएंगे, लेट हो सवेर हो हम साथ हैं और लास्ट तक रहेंगे। जैसा कि अभी हमने सभी एसोसिएट्स की यहाँ राय ली है, और सभी का मानना है कि भी अनुभव मित्तल जी निर्दोष है, उनको किसी न किसी षड्यंत्र के बहाने फंसाया गया है, और कल जंतर मंत्र पर 10 बजे के समय ये अपना धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे, और जन आंदोलन की चेतावनी इन्होंने दी है। और उसमें इनका साथ साथ में ये भी कहना है भी कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी मामला है बिल्कुल पाक साफ है, और वो बिल्कुल पाक साफ होकर के 100% जेल से बाहर आएंगे और लोगों को अपनी जो भी समस्याएं उनको तुरंत दूर करेंगे। और कैमरामैन विनोद के साथ करमवीर, संसार क्रांति ब्यूरो, नोएडा, दिल्ली।